हेलो एवरीवन, मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं व्हाट्सअप बॉलीवुड। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को उनके बर्थडे पर एक स्पेशल गिफ्ट मिला है और ये गिफ्ट है बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड, जो उन्हें उनकी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और फिल्म पंगा के लिए मिला है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब कंगना रनौत को कोई नेशनल अवार्ड मिला है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं अब तक कंगना रनौत जीत चुकी हैं कितने नेशनल अवार्ड्स और इस बार के नेशनल अवार्ड जीतने पर कंगना रनौत ने क्या रिएक्शन दिया है। 2021 में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अब 34 इयर्स की हो चुकी हैं। इस मौके पर फैंस उन्हें बधाइयां दे रहे हैं और उनकी सलामती की दुआ मांग रहे हैं। वहीं कंगना रनौत को अपने बर्थडे से पहले एक बहुत ही खास गिफ्ट मिल चुका है। एक दिन पहले हुए 67th नेशनल फिल्म अवार्ड फंक्शन में कंगना रनौत ने नेशनल अवार्ड जीता है। पिछले साल कोरोना वायरस महामारी की वजह से ये अवार्ड फंक्शन नहीं हो पाया था और न ही कोई फिल्में रिलीज हुई, इसीलिए 2019 में रिलीज हुई फिल्मों के आधार पर इन अवार्ड्स की अनाउंसमेंट हुई। कंगना रनौत को फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। ये कंगना रनौत को चौथा अवार्ड मिला है। जन्मदिन से एक दिन पहले मिले नेशनल अवार्ड से कंगना रनौत काफी खुश हैं और इसके लिए उन्होंने आभार भी जताया है। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करके कहा, मुझे फिल्म मणिकर्णिका और पंगा के लिए नेशनल अवार्ड मिला है। मणिकर्णिका मैंने डायरेक्ट भी की है। फिल्म पंगा में एक कलाकार थी। ऑडियंस और फैंस का धन्यवाद। नेशनल अवार्ड की जूरी टीम का धन्यवाद। आइए अब आपको दिखाते हैं कंगना रनौत का ये वीडियो। नमस्ते दोस्तों, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि राष्ट्रीय पुरस्कार अनाउंस हुए हैं, जिसमें मुझे मणिकर्णिका और फिल्म पंगा के लिए पुरस्कार मिला है। तो मणिकर्णिका मैंने डायरेक्ट भी की है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे राइटर्स विजेंद्र सर, प्रसून सर जी का, म्यूजिक डायरेक्टर्स शंकर एहसान लोए जी, हमारे प्रोड्यूसर कमल जैन जी, मिस्टर पुनीत गोयंका जी, जिन्होंने हमारा इतना ज़्यादा सहयोग दिया, पूरी मेरी टीम, संची जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर किया, अंबर जिन्होंने पोस्ट किया, प्राइम फोकस से नीरज, साउंड डिजाइनर निहार सर, अंकिता, ऑल द स्टारकास्ट, डैनी सर, देयर आर सो मेनी पीपल, मुझे माफ करिएगा अगर मुझे कोई याद नहीं आ रहे हो इस वक्त, हमारे एडिटर रामेश्वर जी, इन लोगों ने इतना सहयोग दिया मेरा और इतनी सहायता की कि जिस मैं इनके लिए हमेशा आभारी रहूंगी। सारी टीम, जी स्टूडियोज, एवरीबडी, थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने इस फिल्म को सफल बनाया और ये पुरस्कार आप लोग मेरे साथ शेयर कीजिए प्लीज। और पंगा में मैं सिर्फ एक कलाकार एक्टर की भूमिका से रही हूँ। और अश्विनी मैम, थैंक यू वेरी मच, नितेश सर, निखिल जिन्होंने कहानी लिखी, बलू सर, विजय सर फ्रॉम फॉक्स, शिखा, दिस फिल्म इज ऑफ सो मेनी पीपल, थैंक यू पीपल, थैंक यू सो मच, एंड नेशनल फिल्म अवार्ड जूरी, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और टू माई ऑडियंस, टू माई फैंस हू हैव बीन सो सपोर्टिव, एंड टू माई फैमिली, माई सिस्टर, माई टीम, श्रुति, रिजवान, कुमार, माई लीगल टीम अनदर रिजवान, माई अकाउंट टीम मनोज सर, देर इज माई ब्रदर अक्षत, एंड माई पेरेंट्स एंड एवरी वन, थैंक यू सो मच। बता दें, इससे पहले कंगना रनौत बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में 3 नेशनल अवार्ड्स जीत चुकी हैं। कंगना ने सबसे पहले 2008 में आई फिल्म फैशन के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था। फिर 2014 में आई फिल्म क्वीन में दमदार परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। इसके अगले साल यानी कि 2015 में उन्हें तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला। इतना ही नहीं बल्कि बर्थडे पर कंगना ने अपनी फिल्म थलाइवी का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है, जिसे देखकर फैंस काफी खुश हैं। बता दें, ये फिल्म लेजेंडरी एक्ट्रेस और फिर पॉलिटिशियन बनी जयललिता के लाइफ स्टोरी पर आधारित है, जिसके रिलीज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। जयललिता के फिल्मों में स्ट्रगल करने के दिनों से लेकर सफलता की बुलंदियों तक और फिर देश की सबसे प्रभावशाली राजनेता बनकर अमूल्य छाप छोड़ने तक इस सफर को फिल्म में दिखाया गया है।
वेल कंगना रनौत के नेशनल अवार्ड जीतने पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है वो डिजर्विंग है? कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड।